गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्लास नर्सरी टू प्रेप, रीडिंग बुक ऑल इन वन वॉल्यूम टू। सभी बच्चे मेरे साथ साथ इंग्लिश की अल्फाबेट सीखेंगे। इंग्लिश में क्या सीखेंगे? अल्फाबेट। आपको ABCD सिखाएंगे, जिसमें से मैंने जेड तक तो रोज़ बोलती हूँ, लेकिन आज फिर हम वापस रीडिंग करेंगे तो जेड तक ABCD बोलेंगे। उसके बाद में एफ फॉर फिश, एफ लिखना सीखेंगे। ओके, आप मेरे साथ साथ बोलोगे और ज़ोर से बोलोगे ताकि अच्छे से पढ़ना सीख सको और ए से जेड तक बोल सको, आप बिना देखे आराम से ओरल कर सको। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। अभी हमने क्या सीखा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। आज हम इसको एफ बनाना भी सीखेंगे, है ना? क्या बनाना सीखेंगे हम? एफ, एफ फॉर फिश। जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल। एच फॉर हैट, एच फॉर हैट, एच फॉर हैट। आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। अब इस पेज पर हमने क्या सीखा? ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गर्ल, एच फॉर हैट, आई फॉर आइसक्रीम। जे फॉर जग, बोलो जोर से, जे फॉर जग, जे फॉर जग। वेरी गुड। के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर काइट। एल फॉर लायन, एल फॉर लायन। एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी। एन फॉर नेस, एन फॉर नेस। अब इस पेज पे जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस। ओके, O for orange, O for orange, O for orange. P for peacock, P for peacock, P for peacock. Q for queen, Q for queen. R for rose, R for rose. खुशबू लो रोज की। S for school, S for ship, S for ship, S for school. T for tiger, T for tiger, T for tiger. U for umbrella, U for umbrella. V for van, V for van. स्कूल की वैन है हमारे, V for van. W for watch, W for watch. X for x-ray, X for x-ray. हमने इस दोनों पेज पे क्या ओ से लेके एक्सरे तक सीखा। ओ से ऑरेंज, ओ से आउट, ओ से ऑरेंज। पी फॉर पीको, क्यू फॉर पी, आर फॉर रोज, एस फॉर शिप, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्सरे। वाई फॉर या, वाई फॉर या, बर्फीला सांड। जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। ओके, इस पेज पे हमने दो ही सीखे हैं, वाई जेड, वाई जेड। वापस से, कैपिटल लेटर है ना ये, बड़े बड़ी ABCD, और छोटी ABCD को बोलते हैं स्मॉल लेटर। क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर। और बड़ी ABCD को क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर। ABC, जोर से बोलो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen,
I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rose, S for sun, T for telephone, U for umbrella, V for van, W for watch, X for x-ray, Y for yak, Z for zebra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ये हमने ओरल किया, अब हम लिखना सीखेंगे. क्या करेंगे? लिखना सीखेंगे. सबसे पहले सीखा था हमने A for apple, है ना? फिर सीखा B for ball बनाना, फिर A B दोनों रिविजन. फिर हमने सीखा C for cat या C for cap, फिर C बनाया. फिर हमने रिविजन किया A B C, क्या सीखा? A B C. फिर A B C D, D तक सीखा, D for dog सीखा. फिर हमने रिविजन किया A B C D का. फिर हमने E for egg सीखा, क्या सीखा? E for elephant, E for egg. ये कंप्लीट नहीं किया तो वापस कर लेते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड में हमारे लाइन डॉट लगे हुए हैं. फर्स्ट लाइन में लाइन खींच दी है, सेकंड लाइन में भी और थर्ड लाइन में भी ऐसे स्लीपिंग लाइन. पहले डॉट को डॉट से मिलाना है, फिर ऐसे 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 लाइन खींचनी है. ऐसे 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 लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. फर्स्ट लाइन में स्लीपिंग, सेकंड में स्लीपिंग, थर्ड में भी स्लीपिंग. डॉट को डॉट से मिलाओ. फर्स्ट लाइन में स्लीपिंग, सेकंड में स्लीपिंग, थर्ड में भी स्लीपिंग. ऐसे मिलाया तो फर्स्ट में स्लीपिंग, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में स्लीपिंग लाइन. तकाक तक लाइन खींचनी है ऐसे जल्दी जल्दी, सुंदर सुंदर ढंग से, ताकि आप अच्छे से लाइन के ऊपर ही लाइन खींचिए, ताकि आराम से सीख पाओ आप. नहीं तो लाइन से इधर उधर हुआ तो अपना ई गलत हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा ई हो जाएगा. डॉट को डॉट से मिलाया, फिर इसे स्लीपिंग लाइन, इस पे लाइन, इस पे लाइन. हम क्या सीख रहे हैं? ई फॉर एलिफेंट. अब हम बनेंगे एफ फॉर फिश. क्या करेंगे? एफ फॉर फिश. क्या हो गया? फिश. क्या है ये? फिश. एफ फॉर फिश. फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन में डॉट लगाना. फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड. मम्मी को बोलना पहली लाइन और तीसरी लाइन में दो बिंदु लगाने हैं. पहली लाइन और तीसरी लाइन में बिंदु लगाने हैं. पहली लाइन और आमने सामने होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो टेढ़ी लाइन खींची जाती है, सीधी नहीं होती लाइन. फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, फर्स्ट, थर्ड, पहली और तीसरी लाइन, पहली, तीसरी लाइन, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन. मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ और इंग्लिश में भी बता रही हूँ. इंग्लिश में तो फर्स्ट लाइन हो गई और थर्ड लाइन. हिंदी में हम बोलते हैं पहली लाइन और तीसरी लाइन, पहली लाइन, तीसरी लाइन, पहली लाइन और तीसरी लाइन, पहली लाइन, तीसरी लाइन. फिर ऐसे लाइन खींच दो. एकदम सीध में लाइन होनी चाहिए, डॉट को डॉट से मिलाना है. कितना जल्दी बन रहा है हमारा, देखना भी है. ऐसे लाइन, सीधी लाइन खींचनी. हो गया? फिर लाइन के ऊपर स्लीपिंग लाइन, दो ही लाइन पे, वन लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे और सेकंड लाइन पे, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन. लेकिन फर्स्ट लाइन पे थोड़ी बड़ी लाइन खींचनी है और फिर छोटी लाइन, सेकंड लाइन में छोटी लाइन खींचनी है. लंबी, छोटी, लंबी लाइन, छोटी लाइन, लंबी लाइन, छोटी लाइन, लंबी लाइन, छोटी लाइन, स्लीपिंग में, है ना? सुला दो इनको, इस लाइन को, लाइन के ऊपर लाइन खींचो. बड़ी लाइन फर्स्ट लाइन में तो बड़ी लाइन खींचनी है, सेकंड लाइन में थोड़ी छोटी खींचनी है. फर्स्ट लाइन में लंबी लाइन, सेकंड लाइन में छोटी लाइन, फर्स्ट लाइन में बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, बड़ी लाइन, 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 छोटी लाइन. ये हमारा एफ फॉर फिश बन गया और ये आपका होमवर्क होगा, एफ फॉर फिश.
डॉट को डॉट ऐसे फिर बड़ी लाइन को छूट लें, फिर डॉट को डॉट फिर बड़ी लाइन को छूट लें। ये पूरा पेज आपको घर पर करना है, आराम से प्रैक्टिस करोगे और प्रेप क्लास के लिए आपको बता देती हूँ मैं। प्रेप क्लास के लिए आप स्पेलिंग सीखोगे, प्रेप क्लास क्या सीखेगी, स्पेलिंग, क्योंकि वो नर्सरी और केजी के लिए हो जाएगा। प्रेप क्लास को स्पेलिंग आनी चाहिए, ए पी पी एल ई, ए पी पी एल ई एप्पल। वापस से तीन लाइन में बनाना है ए एप्पल को, ए और पी छोटी वाली नीचे वाली लाइन से, सेकंड लाइन से तीन लाइन, एक दो तीन नीचे वाली लाइन से, है ना, ऊपर वाली फर्स्ट लाइन छोड़ देनी है। फिर एल को ऊपर वाली लाइन से तीन लाइन में मिलाना है, एप्पल ए तीन लाइन में बनेगा जैसे हमेशा बनाते हैं, और ये स्मॉल लेटर होते हैं इसलिए नीचे वाली लाइन से स्टार्ट होगी पी, ए पी पी एल ई एप्पल। ए ये सीखोगे और बोलोगे, मैं जब क्लास स्कूल में आओगे तो मैं पूछूंगी आपको, मैंने एप्पल की स्पेलिंग लिखवाई थी, जो भी स्पेलिंग या जो भी काम करवा रही हूँ आपको वो सब मैं ओरल में भी पूछूंगी, और रिटर्न में जो जो लिखवाया वो लिखवाऊंगी आपको। ए पी पी एल ई, ए पी पी एल ई, ए पी पी एल ई एप्पल, ए पी पी एल ई, ए पी पी एल ई एप्पल, ए पी पी एल ई एप्पल, ए पी पी एल ई एप्पल। और ये घर का काम है आपके, ए पी पी एल ई, ए पी पी एल ई एप्पल। ये होमवर्क है आपका, बोल बोल के लिखोगे एप्पल की स्पेलिंग्स, ए पी पी एल ई, ए पी पी एल ई, ए डबल पी एल ई, कैसे भी बोल सकते हो क्यों डबल बार लिखा हुआ था डबल पी, ए डबल पी एल ई, ए पी पी एल ई एप्पल, 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 ए पी पी एल ई एप्पल। आज मैंने एप्पल की स्पेलिंग याद करवाई है, तो आप अच्छे से याद करोगे, और याद करने के बाद मैं कॉपी में लिख के अपने पेरेंट्स के साथ कॉपी चेक करवाएँ।